कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सुनाई दे गया मुझे अच्छे से। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही बोलूंगी, स्टे ट्यून्ड विद कामी ज़ुबान क्लासेस, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ डेली फॉर गेटिंग 360 मार्क्स इन योर नेक्स्ट ईयर 2024 पेपर ऑफ नीट। ओके, तो चलिए आज चलते हैं। क्या टॉपिक है आज का मेरा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। Yesterday we have learnt about the male reproductive accessory glands and today we are going to learn about the menstrual cycle. So ये menstrual cycle में भी basically three main phases हैं। पहला है हमारा menstrual phase, bleeding phase or menses. Second है हमारा proliferative phase और third है हमारा secretory phase. So बच्चों, इन तीनों topic को हम बहुत elaborated way में पढ़ने वाले हैं। The reason is that this is the most important topic for the CBSE, for the NEET, for CUET, for 12th and for the 11th examination. Basically, ये जो बच्चों menstrual phase है, ये normally 1-4 days है कुछ बुकों में, NCERT 3-5 days बोल रही है और some books जो other मैंने refer की है उसमें 1-4 days बोला जा रहा है। So एक चीज इसको ध्यान रखेगा, अगर हम NCERT में जो chart है इस menstrual cycle का, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो 1-4 days ही है, बट बुक के अंदर जो लिखा है वो 3-5 डेज लिखा हुआ है। ओके, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट डायग्राम के अकॉर्डिंग 1-4 डेज ही है ये। फिर अगर 4 डेज हम बोलते हैं तो 5 डेज को अपार्ट कर दीजिए, तो 6 से लेके पूरा 14 डेज तक प्रोलिफ्रेटिव फेज होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग फॉलिकल्स बनने वाले हैं जो हमको ओवा देंगे बेसिकली, यानी ये जो फेज है ये हमको ओवुलेशन फेज बताने वाली है। फिर ओवुलेशन से लेके नेक्स्ट 14 डेज तक सेक्रेटरी फेज होने वाला है, इसमें हार्मोनल का एक्सचेंज होने वाला है और हमको नेक्स्ट 28 डेज के बाद जो साइकिल स्टार्ट होगी वो बताने वाला है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो कल तक के लिए वेट करिए। टिल देन यू पीपल स्टार्ट लर्निंग द लास्ट टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड यू। ओके, तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।